Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor and this is the lecture number 45 of the Indian Polity Series जिसमें लक्ष्मीकांत को हम 100 घंटे में करने की कोशिश कर रहे हैं. आज हम Constitution का Part 14A करेंगे जिसमें Tribunals के बारे में डिस्कशन किया गया है. पहले हम जानते हैं कि Tribunals आखिर होते क्यों हैं. पार्ट 14A है, इसका मतलब कि किसी एक अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. इस पूरे के पूरे पार्ट के अंदर सिर्फ दो आर्टिकल हैं, 323A और 323B. उन दोनों में भी सिर्फ दो पॉइंट एक दूसरे से समझने की जरूरत है जो कि प्रीलिम्स या मेंस में पूछे जा सकते हैं. विल कम टू इट. इट्स अ वेरी ट्रिमेंडसली सिंपल पार्ट एंड अ सिंपल टॉपिक. यूजुअली पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा. स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ठीक है. ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसके अंदर ट्राइब्यूनल से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार के प्रोविजंस नहीं थे. आफ्टर द 42nd ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 14A. कैन एनीबडी टेल मी कि इस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स हैं? प्लीज. पार्ट 14A को जब ऐड किया गया 1976 में, इस पार्ट का नाम है ट्राइब्यूनल्स और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 323A और 323B. 323A आर्टिकल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में लिखा गया है और 323B के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के अलावा जितने भी ट्राइब्यूनल्स होते हैं. राइट, आप समझ गए होंगे. बिल्कुल सरलता की बात है कि पार्ट है 14A, 323A, 323B. इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में है और इसमें इसके अलावा एनीथिंग विच इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज गिवन इन द 323B. ट्राइब्यूनल्स होते क्या हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ द ट्राइब्यूनल्स? ये बात समझना ज्यादा जरूरी है आगे बढ़ने के लिए. एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लेते हैं, जैसे कि कई प्रकार के ट्राइब्यूनल्स होते हैं. एक होता है आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल, ये मिलिट्री ट्राइब्यूनल है जो कि 2007 में बनाया गया था. अब आर्मी में जो लोग काम करते हैं, मिलिट्री में जो लोग काम करते हैं, उनके कमीशन से रिलेटेड, उनकी जो सैलरी है, एम्यूलमेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, सर्विस कंडीशंस हैं, उनसे रिलेटेड आर्म्ड फोर्सेज में अगर कोई इशू हो जाता है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय, वो सीधा आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं जस्टिस के लिए. इसकी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है और इसके और रीजनल बेंचेस भी लगाए गए हैं पूरे के पूरे देश में. कहने का क्या मतलब होता है, ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है? आपको अगर किसी चीज का डिस्प्यूट हो जाए, उसको रिजोल्व कराने के लिए आपको जाना पड़ता है कोर्ट में. राइट, कोर्ट में हम जानते हैं कि कोर्ट में बड़े सारे से केसेस है, इननंबरेबल केसेस है. ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डिस्प्यूट ऑफ द इंडिया कैन बी सॉल्व, कैन बी टेकन अ डिसीजन, कैन बी जज्ड थ्रू अ कोर्ट. अब स्पेसिफिकली जरूरत पड़ जाती है कहीं स्पेसिफिक केसेस में जहां पे जस्टिस डिले ना हो जाए या फिर थोड़ी सी स्पीडी जस्टिस मिल सकती हो. तो जैसे कि आर्म फोर्सेस के इशू पे हम बात करते हैं, अगर वहां पर आपको सर्विस कंडीशंस में या अपॉइंटमेंट्स में कुछ गलत हो जाता है और आप उसके अगेंस्ट जस्टिस चाहते हैं या आप उसके अगेंस्ट डिसीजन चाहते हैं, सो एक तरीका तो आपके पास है कि आप बेसिकली कोर्ट्स में जा सकते हैं. हाउएवर दैट माइट बी अ लॉन्ग प्रोसीजर. क्यों? क्योंकि कोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लिए डील नहीं करती है, वो जितने भी हमारे देश में लॉज हैं उन सब के लिए काम करती है. राइट, तो इसके लिए एक स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल बना दिया गया, एक काइंड ऑफ अ कोर्ट, स्पेसिफिक कोर्ट. ठीक है, आर्म फोर्सेस के इशू के अलावा वो कुछ और डिसीजन नहीं लेती है, सिर्फ कमीशन, एम्यूलमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स और सर्विस कंडीशंस जो है उन्हीं से कॉन्टेक्स्ट से उनके ऊपर केस दर्ज होते हैं और उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में उनसे डिसीजन दिए जाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं. एग्जाम्पल के तौर पर एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है जो कि 2010 में बना था. इसमें प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और दूसरे नेचुरल रिलेसेस से रिलेटेड कोर्ट केसेस जाते हैं एंड बियॉन्ड दैट वो उसके बारे में नहीं करता. अगर आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे तो एनी केस, चाहे क्रिमिनल हो या सिविल केस हो, आप उसका वहां पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करा सकते हैं. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट से रिलेटेड करवा सकते हैं, आर्म फोर्सेस में सिर्फ आर्म फोर्सेस की सर्विस से करा सकते हैं. मतलब कि आप मोर और लेस ये बात समझ गए होंगे कि ट्राइब्यूनल इज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ द कोर्ट विच डील्स विद द स्पेसिफिक केस. कोर्ट्स जनरल होती हैं, कोर्ट्स हर केस को फंक्शन करती हैं, हर केस को सॉल्व करती हैं. ट्राइब्यूनल वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक केस के लिए, जिसके लिए ट्राइब्यूनल को बनाया गया है, उसी चीज को सॉल्व करता है. ट्राइब्यूनल का मतलब है इट इज अ क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन. क्वासी का मतलब पार्शियल. राइट, फुली जुडिशियल नहीं है ये, इट इज जुडिशरी का काम कर रहा है, जुडिशरी का एक प्रकार का इसका फंक्शन है, बिकॉज इट विल गिव अ जजमेंट. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का एक तरीका है ये, दैट इज सेट टू डील विद द प्रॉब्लम्स, जैसे कि रिजॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव और द टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स.
तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, जैसे हमारे आर्म्ड फोर्सेस में हो गए, या फिर एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होता है, अपॉइंटमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, अपॉइंटमेंट्स में किसी प्रकार का डिस्प्यूट है, सैलरी नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं हुआ है, या किसी को गलत डिसमिस कर दिया गया है, इन चीजों के जो डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए कोर्ट्स के अलावा, कोर्ट्स तो है ही, कोर्ट्स के अलावा एक नया मैकेनिज्म जिसका नाम होता है ट्राइब्यूनल, ये डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करता है। इट कैन डिटरमिन राइट्स बिटवीन द कॉन्टेस्टिंग पार्टीज, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले सकता है, और जो अभी जैसे कि किसी ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया हो वो गलत है या सही है, इस बात की भी रिव्यू भी कर सकता है, एंड सो ऑन। अब ट्राइब्यूनल का मतलब ये होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या जज या इंडिविजुअल, ठीक है, जो इसके पास भी एडजुडिकेट करने की पावर हो इनटू द क्लेम्स और डिस्प्यूट्स, उस चीज को ट्राइब्यूनल कहा जाता है, चाहे उसके टाइटल में ट्राइब्यूनल हो या ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कोर्ट में एक सिंगल जज है और एक एडवोकेट उनके अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहा है, तो वो एडवोकेट थियोरिटिकली कह सकता है कि वो जज एक ट्राइब्यूनल है, राइट? एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन हैविंग एन अथॉरिटी टू जज, एडजुडिकेट, टू डिटरमिन क्लेम और डिस्प्यूट, उस चीज को ट्राइब्यूनल कहा जाता है। अगर हम इसके वर्ड की लिटरल डिक्शनरी मीनिंग के तौर पे जाएं तो हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, हमारे देश में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होता है, कोर्ट्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, सेशंस कोर्ट, ये सारी की सारी चीजें होती है। इसके अलावा एक और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जिसको बनाया गया है ट्राइब्यूनल के नाम से, ठीक है, यानी एक बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूट जो कि स्पेसिफिक केसेस को सॉल्व करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, क्या होता है, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये सिर्फ और सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटर है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, उनके जो डिस्प्यूट्स होता है उनको सॉल्व करता है, और उसके अलावा नहीं। इसके बाद एक आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल, ये सिर्फ और सिर्फ जो आर्म्ड फोर्सेज के डिस्प्यूट्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स में जो प्रॉब्लम है, उनकी प्रमोशन में, या उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया हो उनको डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है। इसी की तरीके से इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, टैक्स रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं। अब ये जो प्रावधान है, इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से संबंधित जो प्रावधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं पार्ट 14 ए के अंदर सिर्फ दो आर्टिकल हैं, 323A और 323B। अब सवाल, आप सिंपल सी बात है कि ट्राइब्यूनल से जरूरत क्या पड़ी थी, कोर्ट्स तो हैं, यही काम करने के लिए क्यों है, स्पेसिफिकली ओनली ड्यू टू द पेंडेंसी ऑफ द केसेस। कोर्ट्स के अंदर केसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा पेंडेंसी है, ठीक है। तो अगर जैसे कि कोई आपकी प्रमोशन नहीं हुई, आप एग्जांपल के तौर पर लीजिए, आप एक सेंट्रल सर्विस में काम करते हैं और आपकी प्रमोशन होनी थी लेकिन आपकी प्रमोशन नहीं करी गई, एक साल से नहीं की गई, अब आप अगर कोर्ट में चले जाते हैं तो वो प्रमोशन का जो आपका डिसीजन है, ड्यू टू द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट्स, वो आपको 2, 3, 4, 10 साल, 15 साल, कितना भी समय लग सकता है, देयर इज नो एक्चुअली डिफाइंड लिमिट और टाइम फॉर दैट स्पेस। और उसके बाद अगर आपने वो जजमेंट अपने फेवर में ले भी ली तो वो फिर भी अपील की जा सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही नेक्स्ट कोर्ट में उसको अपील किया जा सकता है। सो बेसिकली जो डिले हो जाता है, इस चीज को रोकने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बनाई गई है, उन चीजों को ट्राइब्यूनल कहा जाता है, अलग अलग स्टैट्यूट्स के तहत बनाया जाता है। ट्राइब्यूनल्स का मतलब यह था कि इट विल रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द कोर्ट्स, डिसीजंस जल्दी जल्दी आएंगे, और इट विल प्रोवाइड अ फोरम विच वुड बी मैंड बाय लॉयर्स एंड एक्सपर्ट्स इन द एरियाज फॉलिंग अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ट्राइब्यूनल। पर्टिकुलर केसेस, जैसे इंडस्ट्रियल और लेबर लॉस से रिलेटेड कुछ इश्यूज है तो उसके लिए एक अलग स्पेसिफिक एक्सपर्ट बॉडी बना दी, इनकम टैक्स से रिलेटेड बना दी, आर्म्ड फोर्सेज से बना दी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से बना दी, रेंट और टेनेंसी एक्ट से रिलेटेड इशूज के लिए अलग से बॉडी बना दी, ताकि आपको बार बार कोर्ट्स में न जाना पड़े, एक एक्सपीडाइट हो सके आपका जो प्रोसेस है। द ट्राइब्यूनल्स परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट एंड स्पेशलाइज्ड रोल इन जस्टिस मैकेनिज्म। एक तो कोर्ट्स के ऊपर से लोड हटा लेते हैं, एंड दे कैन हियर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, आर्म्ड फोर्सेस, टैक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। इस चीज को ट्राइब्यूनल कहा जाता है। इट्स काइंड ऑफ अ कोर्ट विद अ वेरी स्पेसिफिक फंक्शन। कोर्ट जो होती है उनके पास कंप्लीट फंक्शंस होता है, और जो ट्राइब्यूनल होते हैं उनके पास स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 323A, दो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 323A, आर्टिकल नंबर 323B, इनके बीच में फर्क क्या है। आर्टिकल नंबर 323A में सिर्फ एक चीज दी हुई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स कौन से होते हैं और कैसे बनाए जाएंगे, और आर्टिकल नंबर 323B में अदर्स,
बाकी इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के अलावा जो भी ट्राइब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं वो कैसे बनाए जाएंगे। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर आर्टिकल 23 छोटा सा आर्टिकल है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस अपॉइंटमेंट पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंटर स्टेट लोकल बॉडीज पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड अदर पब्लिक अथॉरिटीज। क्या मतलब है कि जैसे कि हमें मालूम है कि पार्लियामेंट डिटेल में, क्योंकि पार्लियामेंट सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में सारी चीजें मेंशन नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो किसी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन का बेस देके ये बात पार्लियामेंट के हक में डाल देता है कि बाकी काम आप कर लीजिएगा। आर्टिकल 323 ये कहता है कि इंडियन पार्लियामेंट एक ट्राइब्यूनल बना सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के लिए, जिसमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूटमेंट का कोई इशू होता हो, सर्विस ऑफ पर्संस का कोई इशू होता हो, अपॉइंटमेंट का कोई इशू होता हो, सेंटर के लिए, स्टेट के लिए, लोकल बॉडीज के लिए, पब्लिक कॉर्पोरेशंस के लिए या किसी भी प्रकार की पब्लिक अथॉरिटी के लिए अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसके लिए पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक ए ट्राइब्यूनल। डन। इसका मतलब है कि आर्टिकल 323 ए कहता है कि पार्लियामेंट कैन टेक आउट द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सर्विस मैटर्स फ्रॉम द सिविल कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स एंड प्लेस इट बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। बात समझ गए ना हम। अगर भाई देखिए आप आपको मालूम है कि आर्टिकल 323 ए 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, ये हम याद ही कर चुके हैं, एक सेकंड पहले ही पढ़ा था हमने। 42nd अमेंडमेंट हमारा 1976 में आया था। 1950 से लेके 1976 तक जो भी सर्विसेज से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इन सेंटर स्टेट पब्लिक कॉर्पोरेशन या पब्लिक अथॉरिटी में कोई इशू या डिस्प्यूट आता था तो वो लोग कहाँ जाते थे, वो लोग कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते थे, सिविल कोर्ट्स में जाया करते थे। क्रिमिनल केस तो नहीं है ये, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज का केस है तो क्रिमिनल का तो मुद्दा ही नहीं है, तो या तो वो सिविल कोर्ट्स जाते थे या हाई कोर्ट्स जाते थे। आर्टिकल 323 ये पावर देता है कि इन्हीं केसेस को जो कि कोर्ट्स हैंडल करती थी, जरूरत पड़ने पर आप एक स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के हाथ में दे दीजिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। सिंपल सरल बात है। इसके साथ साथ इसमें ये लिखा था आर्टिकल 323 ए में कि भाई इस बात को ऐड कर दीजिएगा। पार्लियामेंट ने इस बात के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट बनाया 1985 में, 1985 में, बिकॉज नाउ देर वाज एन आर्टिकल 323 ए लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसी के तहत एक एक्ट बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट इन 1985। एड ये 76 में हुआ है और उसके बाद 9 साल के बाद एक नया एक्ट बन गया। इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया टू एस्टेब्लिश वन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट और उसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, यानी कि जो लोग सेंट्रल सर्विसेज में हैं अगर उनको कोई डिस्प्यूट होता है रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट प्रमोशन सर्विस कंडीशंस कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से रिलेटेड तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट वो सीधा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। और उस सिमिलरली जो स्टेट सर्विसेज में है अगर उनको अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। ये दोनों की दोनों जो बॉडीज हैं इसको बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1985 के तहत। इससे जस्टिस थोड़ा सा स्पीडी हो गया और थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव हो गया फॉर द पब्लिक सर्विस सर्वेंट्स जो कि उसमें जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब का आप कर रहे हैं। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें एक छोटा सा ये बात जान लेनी चाहिए कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ये आर्टिकल 323 ए की देन है, इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपको बहुत मुश्किल इसमें आएगी नहीं जानने में। देखिए 1985 में ये बना था और इसका जो प्रिंसिपल बेंच है दिल्ली में है, बाकी हाई कोर्ट्स जो होती हैं वहीं पर ये सारे के सारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के जो बेंच है वहां पर बैठते हैं सिर्फ, बाकी 15 ऑपरेट एट द प्रिंसिपल सीट ऑफ हाई कोर्ट, बस एक जयपुर और लखनऊ में है जो कि अलग से है। देखिए राजस्थान हाई कोर्ट जो है उसका जो सेंट्रल जो मेन बेंच है वो बेसिकली जोधपुर में है, और जो लखनऊ है, लखनऊ बेसिकली उत्तर प्रदेश में है, तो उनकी हाई कोर्ट का नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो वो इलाहाबाद के अंदर है। तो इसके साथ साथ बाकी जितनी भी कोर्ट्स हैं जैसे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट गुवाहाटी में ही है, तो वहाँ पर जो कैट का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव का बेंच है तो वो गुवाहाटी में ही बैठता है। उसी प्रकार से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर है तो वो जो बेंच है वहीं पर बैठता है। यहाँ पर बस जयपुर और प्रीलिम्स में ये पूछे जाने वाला सवाल नहीं, बस समझने की बात है, ठीक है। कैट एक्सरसाइजेज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, याद रखिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है, हम कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि जो डायरेक्टली केस आप ले सकते हो,
राइट, ऐसा नहीं है कि अपील के द्वारा लेना है। दो चीजें, दो डिफरेंशिएट है, एक तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और एक एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि वो केस उस कोर्ट के पास सिर्फ अपील के द्वारा पहुंच सकता है, राइट। जैसे कुछ क्रिमिनल और सिविल केसेस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं फाइल कर सकते आप, ठीक है। अगर आपके घर पर चोरी हो जाती है तो ये जो केस है आपके घर पर चोरी होने का, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता। या मर्डर हो जाता है तो किसी का मर्डर हो जाने पर वो केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है, वो पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा और फिर अपील के बाद वहां पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब जो केस आप सीधा उस कोर्ट में फाइल कर सकते हो, जैसे फंडामेंटल राइट्स इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास। सो कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, एक्सरसाइजेस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल का मतलब सीधा केस। किन किन मुद्दों में? इन द रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर ऑफ पब्लिक सर्विसेज कवर्ड बाय इट। इसका मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी हमारे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, उसके बाद फॉरेस्ट सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज। सॉरी, देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज तो तीन है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद जो बाकी सेंट्रल सर्विसेज है, जैसे कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज होगी, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन कस्टम एंड एक्साइज सर्विसेज, इंडियन ट्रेड सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, वो सेंट्रल सर्विसेज होगी, ठीक है। एंड सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस में, मिलिट्री डिपार्टमेंट में कुछ सिविल पोस्ट भी होती हैं, ठीक है, वो सारे के सारे। सो आइडेंटिफाई कि कैट तीन प्रकार के लोगों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं उनको सॉल्व करता है। सबसे पहले तो ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, उसके बाद सेंट्रल सिविल सर्विसेज हो गई, और उसके बाद डिफेंस के जो जो सिविल लोग हैं, सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस। अब ये बात प्रीलिम्स में पूछना कि मतलब इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट थिंग टू आस्क, मतलब वो इतना डीप में जाती नहीं है, यूपीएससी दे वोंट गो देयर, बट ये बात जान लीजिए कि डिफेंस फोर्सेज के जो लोग हैं, यानी कि जो मिलिट्री के लोग होते हैं, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट को कैट कवर नहीं करता है। ये बात जानने वाली बात है, ठीक है, कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल किसको कवर नहीं करता है। सबसे पहले तो डिफेंस वालों को कवर नहीं करता है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो स्टाफ है उसको कवर नहीं करता है, एंड थर्ड सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उनको, अगर उनके डिस्प्यूट हो जाते हैं तो दे कैन नॉट गो टू कैट। बाकी अगर आप आईएएस है, आईपीएस है, अगर आपके साथ कुछ गलत कर दिया जाता है आपके अकॉर्डिंग, तो आप सीधा सीधा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जाके आप केस दायर कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू अ कोर्ट। कैट मल्टी मेंबर बॉडी होती है जिसमें एक चेयरमैन है, मेंबर्स है, इस समय इसमें एक चेयरमैन है और टोटल स्ट्रेंथ है 65 लोगों की। अच्छा, इसमें कमाल की बात देखिए क्या होता है, कोर्ट और ट्राइब्यूनल में फर्क क्या होता है। कोर्ट में जो भी जज होता है वो सारे के सारे हमेशा जुडिशरी से बिलोंग करते हैं, याद रखिए, ठीक है, जुडिशरी से बिलोंग करेंगे, वो हमेशा लीगल पढ़ाई करके आए हैं, वो लीगल ल्यूमिनरीज होते हैं, कानून उन्होंने पढ़ा होता है, उनकी पढ़ाई कानून में हुई होती है। लेकिन जो ट्राइब्यूनल के मेंबर्स हैं, जो ट्राइब्यूनल के लेट्स से कि जो जज हैं, जरूरी नहीं है कि वो लीगल फील्ड से ही बिलोंग करते हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव से भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि किसी ट्राइब्यूनल में आप जब केस लेके जाएं अपना, तो वहां पर जो जजमेंट देने के लिए है वो कोई आईएएस हो, एग्जीक्यूटिव का ही बंदा हो, आईपीएस हो, इस प्रकार से। दे आर ड्रान फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स, और प्रेजिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं, 5 साल का उनका टर्म होता है, या फिर उनकी जो एज है, अगर चेयरमैन है तो 65 और अगर एज है तो 62। तो कंफ्यूज मत होना, देखो कैट जो है, कैट के अंदर टोटल है 65 मेंबर, ठीक है, एक हो गया इसमें चेयरमैन, 64 हो गए मेंबर। ये जो 64 मेंबर है इनकी मैक्सिमम एज 62 साल है, और इसमें जो ये एक मेंबर है इसमें इनकी मैक्सिमम एज 65 साल है, और अपॉइंटमेंट किया जाता है सीधा प्रेजिडेंट के द्वारा, एंड वंस दे आर डन दे कैन बी इन पोजिशन फॉर 5 ईयर्स। उसके साथ साथ ये जो रेकमेंडेशन है, प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट कर रहा है तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट खुद तो चूज करते नहीं है, प्रेसिडेंट हमेशा किसी न किसी की रेकमेंडेशन पर अपॉइंट करते हैं, तो कौन करता है रेकमेंड? इज बाय अ हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी चेयर्ड बाय अ सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु इज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगेन, दो कैट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, यानी कि कंप्लीटली जुडिशियल नहीं है, पार्शियली इसके जुडिशियल फंक्शंस है, उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक कमिटी बिठाते हैं इनके मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, खुद नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे, खुद वो बताएंगे कि आप ये, आप सुप्रीम कोर्ट के, आप जज हैं, यू मेक द कमिटी एंड देन यू चूज, ठीक है, एक हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी चेयर्ड बाय द सिटिंग जज। इसके बाद आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो रिकमेंडेशन करेगा चीफ जस्टिस उसको कंकर करेगा, ओके,
ठीक है, बढ़िया बनाया आपने, काफी अच्छा है। तब ये उसके बाद जाके प्रेसिडेंट को भेज दी जाती है, एंड देन प्रेसिडेंट फाइनली अपॉइंटमेंट्स आर मेड विद द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। ये कंकर के बाद ACC के पास, यानी कि हमारे अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट में कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर, कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं। तो आप इसमें नोटिस करो कि इसमें सिर्फ जुडिशरी के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं तो उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई भी रोल नहीं है, उसमें कॉलेजियम सिस्टम है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं जो कि अपॉइंट करते हैं जजेस को, राइट। लेकिन इसमें आप नोटिस करो कि एग्जीक्यूटिव का भी अच्छी खासी से है, एग्जीक्यूटिव भी इसके अंदर स्पेस लेता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक जज को अपॉइंट करते हैं कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, वो कमेटी डिसाइड करती है कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के मेंबर कौन होंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस कंकर करते हैं उस कमेटी के मेंबर्स को, वो कंकर करने के बावजूद भी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट विच इज द कंप्लीटली एग्जीक्यूटिव बॉडी वो इस बात को यस करती है, एंड देन फाइनली जाके प्रेजिडेंट उनको कैट के मेंबर्स को अपॉइंट कर देता है। अब इसके साथ अच्छा ये क्वेश्चन, दिस इज द प्रीलिम्स क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है, फोकस ऑन दिस, ओके, दिस इज द प्रीलिम्स क्वेश्चन, लुक एट इट। कैट इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन इन द सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908, इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कहने का क्या मतलब है, आप जो भी हमारी कोर्ट्स हैं और जो भी पुलिस है उनको सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करना पड़ता है, एविडेंस के मामले पे चार्ज, जैसे उनका एक स्पेसिफिक प्रोसेस है किस तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है, कैसे चार्जशीट फाइल होगी, कैसे ट्रायल किया जाएगा, कैसे एविडेंस सबमिट होगा, क्या एविडेंस सबमिट किया जा सकता है, क्या एविडेंस नहीं सबमिट किया जा सकता है, ऑल दैट प्रोसीजर नीड्स टू बी फॉलोड इन द कोर्ट एकदम टू द लेटर पे, अगर नहीं करेंगे तो वो ट्रायल फ्लॉड हो जाएगा। हावेवर जब केस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के सामने जाता है तो वहां पर उस कोड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कैट अपने खुद के रूल बना सकता है। एक्चुअली में जरूरी है कि नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाए इंस्टेड ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। ये सिंपल सा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ट्राइब्यूनल्स की खास बात है क्या, ट्राइब्यूनल्स की खास बात यह है कि वो सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 को फॉलो नहीं करते हैं, जरूरत नहीं है, करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, बट इट इज नॉट नेसेसरी, दे फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस। इसके साथ साथ एक और बात को, मतलब ये बात ये पूछी नहीं जाएगी, इसमें समझने की बात है बस, कि पहले जब भी कोई कैट का, सपोज कीजिए आप एक सिविल सर्वेंट है, आप IAS है, ठीक है, आपकी होनी थी प्रमोशन, 2 साल हो गए नहीं होगी, आप गए और आपने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में केस फाइल कर दिया, जजमेंट आई आपके 6 महीने में, 1 साल में जजमेंट आ गई, ठीक है, 1 साल के बाद, बट यू डिडंट लाइक दी जजमेंट, आपके अगेंस्ट थी, अगेंस्ट जजमेंट दे दी। तो ऐसे में पहले क्या होता था कि अब अगर इस जजमेंट के अगेंस्ट आपको अपील करनी थी तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते थे, हाई कोर्ट पर नहीं कर सकते थे। ऐसा माना जाता था कि ट्राइब्यूनल है, अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई है, तो इनकी जजमेंट के अगेंस्ट जो अपील है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं है। हावेवर एक बड़ा पॉपुलर केस है, ये केस को आप लक्ष्मीकांत में जब ट्राइब्यूनल वाला चैप्टर पढ़े तो ऊपर लिख लेते, चंद्र कुमार केस, ट्राइब्यूनल से रिलेटेड एक ही केस है, चंद्र कुमार केस ऑफ 1997। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिस्ट्रिक्शन गलत है, हाई कोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, इंडीड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैट का कोई ऑर्डर होता है तो उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। कंसिक्वेंटली नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पब्लिक सर्वेंट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। अब पहले हाई कोर्ट जाएंगे और उसके बाद, अब या जजमेंट आई, पहले हाई कोर्ट जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते थे और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ही जाया जाता था। तो 1997 की इस जजमेंट के बाद कैट की जजमेंट आएगी, अगर वो बिल्कुल उससे कोई भी खुश नहीं है तो फिर आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट की भी जजमेंट से खुश नहीं है तो फिर उसको आप लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ले जा सकते हैं, सिंपल बात है। इसके बाद ये हो गया आर्टिकल 323 है, ठीक है। अब सेकंड वाला है आर्टिकल नंबर 323B। इसमें बाकी जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं वो बताया कि पार्लियामेंट, और इंपॉर्टेंट वर्ड सुनो, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ये 323A में स्टेट लेजिस्लेचर वर्ड यूज नहीं किया है, 323A में सिर्फ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट इज ऑथोराइज टू मेक, यहां पर लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर भी लिखा हुआ है पार्लियामेंट के साथ साथ, आर ऑथोराइज टू प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल, और किस किस मैटर में, टैक्सेशन के लिए ट्राइब्यूनल बना सकते हैं,
पार्लियामेंट भी, स्टेट लेजिस्लेचर भी, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इंडस्ट्रियल एंड लेबर के लिए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए, सीलिंग एंड प्रॉपर्टी के लिए, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फूड स्टफ, रेंट एंड टेनेंसी, यानी कि 8 अलग टॉपिक दिए गए हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर ऑथोराइज टू मेक ट्राइब्यूनल्स। इसी के तहत बड़े सारे से ट्राइब्यूनल्स बनाए भी गए हैं। टैक्सेशन से रिलेटेड है इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, टेनेंसी से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल लॉज एंड लेबर से रिलेटेड ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं। सो देर आर अलग, तो बस इसमें यही फर्क है, इन दोनों आर्टिकल्स में इतना ही फर्क है। एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए सिर्फ 323A है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा, एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा जो भी ट्राइब्यूनल्स है वो 323B में है। इनमें 3 फर्क है, यही स्लाइड है आज की जो कि आपके प्रीलिम्स में काम आनी है, इसी को याद करना है, इसके अलावा आज की लेक्चर में कोई काम की चीज़ नहीं है। पहले वाली, आर्टिकल 323A और 323B में क्या क्या फर्क है, ओके, क्या क्या फर्क है। सबसे पहले आर्टिकल 323A, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल्स फॉर पब्लिक सर्विस मैटर्स ओनली, ठीक है, सिर्फ पब्लिक सर्विस मैटर्स और कोई भी नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक सर्विस मैटर्स के लिए आर्टिकल 323A में ट्राइब्यूनल बनाता है। 323B कंटेम्पलेट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल्स फॉर सर्टेन अदर मैटर्स मेंशन्ड, ये सारे के सारे, टैक्सेशन के लिए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए, फूड स्टफ्स के लिए, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स के लिए। आर्टिकल 323A सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट एस्टेब्लिश कर सकता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सिर्फ पार्लियामेंट, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल सिर्फ पार्लियामेंट एस्टेब्लिश कर सकता है और कोई भी नहीं। लेकिन 323B कैन बी एस्टेब्लिश्ड बोथ बाय पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, यहां पर हमने देखा पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। एंड द थर्ड, आर्टिकल 323A ओनली 1 ट्राइब्यूनल फॉर द सेंटर एंड 1 फॉर ईच स्टेट, ठीक है, इसके अलावा और कोई ट्राइब्यूनल नहीं कर सकते हो। हावेवर जो आर्टिकल 323B है उसमें एक हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल्स में भी क्रिएटेड, अलग अलग लेवल पे कई सारे ट्राइब्यूनल्स क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पे अलग कर सकते हैं, उसके बाद स्टेट पर कर सकते हैं, सेंटर पर कर सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स के लिए सेंटर पर अलग कर दिया, स्टेट पर अलग कर दिया, और उसके बाद हायरार्की पर है। 323A में सिर्फ 2 ट्राइब्यूनल बन सकते हैं, एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और उसके बाद हर स्टेट में एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, दैट इज इट, खत्म, इसके अलावा नहीं। बस ये 3 फर्क है, एंड दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच पार्ट 14A में से UPSC आपसे प्रीलिम्स में पूछने की इच्छा रख सकती है या कोशिश कर सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, दिस इज नथिंग मोर टू इट। इसमें एक और बात आप ध्यान लीजिए जानकारी के लिए, कि जो हम चंद्र कुमारा केस के बारे में बात कर रहे थे 90s में, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर, इसी जो अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं उसमें ये डिक्लेयर कर दिया था कि दो इस आर्टिकल्स के अंदर ये स्पेसिफिकली था कि 323 और 323B में ये लिखा हुआ था कि आप केस हाईकोर्ट के, अगर कोई ट्राइब्यूनल जजमेंट दे देता है तो वो बेसिकली हाई कोर्ट के पास नहीं जाके अपील नहीं होगी उसकी, उसकी सीधा सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चंद्र कुमार केस के अंदर इस बात को खारिज कर दिया, बोले कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और हाई कोर्ट्स हैव द कैपेसिटी टू जुडिशियल रिव्यू, सो यू कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम देम, एंड हेंस जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को नहीं हटाया जा सकता, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशियल रेमेडीज आर अवेलेबल अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ दीज ट्राइब्यूनल्स। समझे, देखो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा पैराडॉक्सिकल चीज है। टेक्निकली ट्राइब्यूनल्स बनाने का मतलब और अर्थ और पर्पस ये होता है कि कोर्ट में जाना ना पड़े, दैट इज द की, राइट, दैट इज द पॉइंट ऑफ इट, कि भाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एक जल्दी से जाइए, 6 महीने में अपना डिसीजन लीजिए और काम करके आगे बढ़िए, कोर्ट में जाने का झंझट ही खत्म। हावेवर उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर चंद्र कुमार केस में कहा कि नो, कोर्ट में जाने, आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते जिसमें आदमी न्याय के लिए कोर्ट में ना जा सके। आपने ट्राइब्यूनल के कानून बना दिए और ट्राइब्यूनल के कानून में ये लिख दिया कि जो ट्राइब्यूनल की जजमेंट है उनके अंदर अपील नहीं हो सकती हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज रॉन्ग, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट कैन नॉट बी डन। जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो सिर्फ कोर्ट के पास हो सकती है, किसी क्वासी जुडिशियल बॉडी के पास नहीं हो सकती है। एंड हेंस कैट की जो जजमेंट है या इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल की जजमेंट है या किसी और ट्राइब्यूनल की किसी की भी जजमेंट है, इट कैन बी अपील्ड इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों की दोनों बातें चंद्र कुमार केस में कही गई थी, ठीक है। अब एक लास्ट के लिए हल्का सा जस्ट फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये देखते हैं कि इसमें कोर्ट्स में और बेसिकली ट्राइब्यूनल्स में फर्क क्या होता है, राइट, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट। दो मोर और लेस वही पॉइंट्स है जो कि इट्स मोर ऑफ अ रिवीजन जो भी हमने आधे घंटे में पढ़ा है। देखिए,
कोर्ट ऑफ लॉ क्या होता है? इट इज पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम वेयर द पावर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेट, राइट? स्टेट के तीन स्तंभ है, राइट, मेन प्राइमरी, एक तो जुडिशरी है, एक एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो कोर्ट तो पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी हो गया, कोर्ट की जुडिशरी की पावर स्टेट से आ रही है। ट्राइब्यूनल इज क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट एंड इन्वेस्टेड विद द जुडिशियल पावर। ट्राइब्यूनल को तो लेजिस्लेचर बनाता है, ट्राइब्यूनल को लेजिस्लेचर बना रहा है और फिर उसको जुडिशियल पावर दे रहा है, कॉन्सेप्चुअली बात अगर की जाए तो। देन सिविल कोर्ट्स हैव द पावर टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स, ठीक है? सिविल कोर्ट के अंदर कोई भी जो सिविल इशू है वो कर सकता है। ट्राइब्यूनल्स आर स्पेसिफिक, आप कभी भी टैक्स का कोई इशू है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास नहीं सॉल्व करा सकते, या फिर अगर आप सेंट्रल सर्विसेज में तो आप आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में नहीं जा सकते। एवरी ट्राइब्यूनल हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड ओनली दैट कैन बी डन विद इट। उसके अलावा उनकी जो बाउंड्रीज है वो बहुत क्लियरली डिवाइडेड होती है, ठीक है? इट हैज द पावर टू ट्राई केसेज दैट आर ऑफ द टाइप दैट द स्टैट्यूट कन्फर्स अपॉन देम, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर काइंड के केसेज को सॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। जजेज ऑफ द कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, जज और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन ऑफ पावर है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल बेसिक ऑफ द डेमोक्रेसी है सेपरेशन ऑफ द पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। हाउएवर अभी हमने देखा, नोटिस किया है कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसके जो मेंबर्स हैं वो जुडिशरी से ही हों, वो एग्जीक्यूटिव से भी हो सकते हैं, जुडिशरी से भी हो सकते हैं, उनके सिलेक्शन में भी एग्जीक्यूटिव का हैंड रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है। सो entirely in the hands of the executive है उनका selection। Presiding officer is trained in the law always, presiding officer may or may not be trained in the law। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई किसी tribunal में judge जो retired judge हैं वो member बन गए, no doubts about it, advocate हैं वो member बन गए, but then there is a possible कि IAS है, IPS है, वो भी member हो सकते हैं, not a doubt। The judge should be impartial, not interested in the subject matter of the dispute। Here the tribunal may be party to the dispute, खुद tribunal ही dispute का part हो सकता है। Second, court of laws are bound by all rules of procedure and evidence। Procedure और evidence का आपने कभी कभी सुना होगा, right? अगर आप confession करते हैं तो आप investigative officer के सामने confession कर सकते हैं, तो वो court में submit नहीं किया जा सकता, आपको किसी एक magistrate के सामने तभी जब confession करेगी उसी confession की कोई value होती है। मतलब कि एक particular system available है कि procedure क्या क्या follow करना है investigation का, evidence कौन कौन सा evidence शामिल किया जा सकता है investigation में, that doesn't apply to, they are not bound by the civil procedure code, ठीक है? वो दे फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। साथ ही साथ कोर्ट्स कैन डिसाइड वायर्स ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि कोर्ट डायरेक्टली यही डिसाइड कर सकती है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा ट्राइब्यूनल कुछ भी नहीं कर सकती इसके अंदर। ट्राइब्यूनल को बिल्कुल लेटर ऑफ द वर्ड जो लॉ है, लेटर ऑफ द लॉ, उसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन करना पड़ता है। दे कैन नॉट डिसाइड द वायर्स ऑफ द लेजिस्लेशन एट ऑल, उनको जो पावर्स मिली है वही होगी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको सॉल्यूशन देना होगा। दे कैन नॉट डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और द अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लेजिस्लेशन। इतना ही था सरल सा ट्राइब्यूनल, इट इज ए वेरी सिंपल। सिर्फ और सिर्फ पार्ट 14A के अंदर दो आर्टिकल हैं, 323A 323B। इसमें सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स यानी कि जो पब्लिक सर्विस मैटर से रिलेटेड ट्राइब्यूनल्स हैं सिर्फ वो इंक्लूडेड हैं, एंड एवरी अदर इज इंक्लूडेड इन इट। इसको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, इसको पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बना सकते हैं, दैट इज इट। इसके अलावा और हमारे इसमें कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई भार नहीं है, इस पर कोई खास क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। एक सिंपल सा मेंस में क्वेश्चन है ट्राइब्यूनल्स का, क्या ट्राइब्यूनल्स की कमी क्या है, क्यों कि अगर ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं और ट्राइब्यूनल्स का मेन पर्पज क्या है, स्पीडी एंड द इनएक्सपेंसिव जस्टिस, दैट इज द पॉइंट ऑफ ट्राइब्यूनल्स, वरना तो यही काम कोर्ट भी कर रही थी। लेकिन ट्राइब्यूनल्स की जो जजमेंट होती है दे आर अपीलेबल इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, then what is the point of the tribunal, that is a question that you need to answer। अगर आपसे मेंस में कभी पूछा जाएगा तो ट्राइब्यूनल्स का यही क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा कुछ है नहीं। यू विल मेंशन दिस फर्स्ट, पहले थियोरेटिकली कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे एंड देन यू विल गो अहेड विद द नॉर्मल एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन, राइट?
दिस वॉज द लेक्चर नंबर 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज. हम लेक्चर 46 कल करेंगे वेयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स. इफ यू नीड टू कनेक्ट विद मी देर आर सो मेनी सोशल मीडिया अकाउंट्स आई हैव स्पेसिफिकली मेड ताकि हम आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सके. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.